कोरोना संकट के बीच टिड्डी दल के आतंक प्रदेश में जारी है। टिड्डी दल ने किसानों की नींद उड़ाई हुई है। बुंदेलखंड के बांदा में टिड्डी दल के पहुंचने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चित्रकूट के राजापुर के रास्ते ये टिड्डी दल बांदा के बिसंडा ब्लॉक के कई गांवों में देर रात पहुंच गया। हालांकि कृषि और दमकल विभाग ने सतर्कता दिखाते हुए इनके प्रजनन के पहले ही टिड्डियों को नष्ट करने की कोशिश की। अब टिड्डी के बारे में आप देख ही रहे हैं, कल शाम से ही हम लोगों को वही 6:30 बजे के बाद जो है ये जानकारी मिली कि इधर आपके चित्रकूट जो अपना बॉर्डर लगता है बिसंडा का, इधर का राजापुर का, और उधर रमैयापुर से पता लगा कि इधर आगे बढ़ रहा है। तो हमारी टीम, हम लोग चूँकि कालिंजर में भी सूचना थी कि उधर सतना से कालिंजर में कोई दल आ सकता है, तो हम लोग सुबह से ही अपना उधर एक्टिव रहे पूरा। लेकिन वहाँ से क्या है कि जो भी दल था वो MP में ही रहा, इधर नहीं आया। पर 6:30 बजे हमको पता चला कि चित्रकूट से मेरी बात हुई कि चूँकि हम लोग बराबर संपर्क में थे, चित्रकूट सतना और इधर पूरा, हम लोग तो जब जानकारी मिली कि इधर है तो हमारी टीम इधर पहुँची। तो यहाँ के उपस्थित जिस समय आप मझीवा में खड़े हैं तो बैदनपुरा, तो इस यहाँ पर ग्रामीण भाइयों का भी, जो किसान भाई हैं इनका भी सहयोग मिला, और इन लोगों के सहयोग से हम इसको लगभग समझिए कि 9:45 बजे के आसपास इनको हम इसको कम्प्लीटली ट्रेस आउट कर पाए कि हाँ यहाँ पर इनकी लैंडिंग हुई है। तो उसी दौरान से चूँकि हमारी तैयारी पहले से थी, जिलाधिकारी महोदय को भी ये संज्ञान में था सबको, और यहाँ पर उप जिलाधिकारी और BDO बिसंडा और पुलिस टीम के साथ यहाँ पहुँची, और अग्निशमन की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची, और कृषि विभाग का भी एक, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 60-70% पॉपुलेशन हम लोगों ने यहीं पर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस टिड्डी दल के पहुंचने से किसान परेशान नजर आए। किसानों को अपनी फसल की चिंता सता रही है। टिड्डिया कल 6:30 बजे शाम को आई है, हमारे मूंग की जो फसल थी वो सारी खत्म कर रहे हैं, जो आम वृक्ष हैं उनको नुकसान हो रहा है, आगे धान की फसल आ रही है उनमें जो ब्याड़ तैयार हो रहे हैं उनको खत्म करेंगी। सबसे पहले SDM साहब को सूचना दिया 8 बजे से ये टिड्डियाँ जो है आ गई हैं हमारे गांव में, तो ये परेशान किए हैं फसल को भी, और जो मूंग भी लगाए थे तो मूंग को भी जो है बिल्कुल खा लिया। जो आपके कहे कहे की फसल थी, मूंग की थी, सब्जियां थी, अच्छा, और धान की बेड़ भी बो दिए थे। गौरतलब है कि बांदा में अधिकतर किसानों ने अपनी फसल काट ली है, इसलिए फसलों को ज्यादा नुकसान का खतरा तो नहीं है, लेकिन बगीचों आदि को बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पंजाब केसरी TV के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।